जिले के युवाओं को स्किल्ड बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में मंत्री रहते हुए कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में देश के 7वें फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर एफडीडीआई की स्थापना कराई थी। केंद्र में भाजपा सरकार के काबिज होते ही मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने इससे अपनी संबद्धता समाप्त कर दी। मानव संसाधन और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बीच झूल रहे संस्थान को लेकर कमलनाथ ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सक्रियता दिखाई। नाथ के प्रयासों से 3 वर्षों से जारी एफडीडीआई डिग्री विवाद लोकसभा में मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में औपचारिक चर्चा के बाद पारित हुए बिल के अनुसार एफडीडीआई को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। अब एफडीडीआई द्वारा छात्रों को स्वयं की डिग्री प्रदान की जा सकेगी। कमलनाथ के इन प्रयासों से डिग्री विवाद में उलझे लगभग 3500 पूर्व छात्र भी लाभान्वित होंगे। उन्हें INI द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं सांसद कमलनाथ ने अपने प्रयासों से ग्रामीण यातायात को सुगम बनाने और ग्रामीण सड़कों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से आदिवासी अंचल और कोयलांचल सहित 9 विकास खंडों में 42 ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति कराई है। इन सड़कों के निर्माण से जहां यातायात सुगम होगा, वहीं दूसरी ओर व्यापार, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, छिंदवाड़ा।